गाइस वेलकम टू माय चैनल। और वीडियो की स्टार्टिंग में जो गाइस वीडियो देखे अभी भी डिस्प्ले पे शो हो रहा है, तो ये इस टाइप का अगर वीडियो आप भी टिकटॉक पे तो हेलो गाइस वेलकम टू माय चैनल। और वीडियो की स्टार्टिंग में जो वीडियो देखे अभी भी डिस्प्ले पे शो हो रहा है, तो गाइस ये जो वीडियो टिकटॉक पे बहुत ही ज्यादा वायरल हुई है गाइस, मिलियंस पे हट गई, मिलियंस में व्यू गया। तो गाइस आप भी अगर इस टाइप का वीडियो को बना के डालते हैं तो उम्मीद है आपका भी वीडियो वायरल होने का चांसेस है और बहुत सारा लाइक्स फैंस फॉलोअर्स आने का भी बहुत ज्यादा चांसेस है। तो इस टाइप का वीडियो को बनाएं कैसे, इस बारे में आज वीडियो में बात करने वाला। अगर इंटरेस्टेड सीखना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर से देखना गाइस, और अभी से लाइक कर दे। और हमारे चैनल पर अगर पहली बार जुड़े तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले। तो गाइस और एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि अगर मेरे चैनल को पहले से ही सब्सक्राइब करके रखे हैं तो आप लोग प्लीज से उसे अनसब्सक्राइब करके फिर से सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मेरे जो वीडियो का नोटिफिकेशन कुछ कारणों की वजह से बंद हो चुका है गाइस, जिसे मैं सुधार कर चुका हूँ। तो अब आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग अनसब्सक्राइब करके फिर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल करके प्रेस कर ले, ताकि जब भी मैं लेटेस्ट वीडियो डालू तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो चलिए गाइस इतना से रिक्वेस्ट करने के बाद अब मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ कि आपको वीडियो को कैसे शूट करना है। तो चलिए गाइस मोबाइल स्क्रीन पे चलो। तो गाइज आपको वीडियो कुछ इस टाइप से शूट कर लेना है। पहले ऐसे कुर्सी पे बैठ के गाइज आपको शर्ट को ऐसे पकड़ के फेंकना है, फिर जाके शर्ट को चेंज कर लेना है और यहाँ पर खड़ा होकर ऐसे फेंक लेना है। फिर ऐसे आपको क्या करना आना है इस जगह पर, फिर शर्ट को चेंज करके फिर ऐसे फेंकना है। इस टाइप से दो तीन बार चार बार फेंक लेना गाइज, और मतलब इस टाइप से बना के गाइज शर्ट को चेंज करके फिर से जैसे मैं आगे तरफ इस टाइप से फेंक रहा हूँ, उसके बाद फेंकने के बाद गाइज यहाँ आके फिर ऐसे शर्ट को पहन के खड़ा होकर इस टाइप से फिर चेंज करके। तो गाइज इस टाइप का वीडियो बनाने के लिए मैंने जिस टाइप से कही थी उस टाइप से वीडियो को शूट कर लेना गाइज। शूट करने के बाद यहाँ प्लस वाला आइकन को टच करना, 9:16 वाले रेशियो को लेना, मीडिया वाला ऑप्शन पे जाना और उस वीडियो को यहाँ पर इंपोर्ट कर लेना। तो गाइज मैं सिंपली से उस वीडियो को कर लेता हूँ इंपोर्ट। तो गाइज ये रहा मेरा वीडियो गाइज, ये इस टाइप से मैंने बनाई थी गाइज, आप देख सकते हैं मैंने पहले भी दिखाया आपको स्टार्टिंग में भी। तो यहाँ पर आपको जो एक्स्ट्रा पार्ट है इसको कट कर लेनी गाइज सबसे पहले। तो सबसे पहले मैं यहाँ से यहाँ जो बैठ रहा हूँ गाइज यहाँ, तो यहाँ एक कैंची की मदद से गाइज ट्रिम टू लेफ्ट फ्लेट कर देता हूँ गाइज। लेफ्ट फ्लेट का मतलब इधर का साइड कट होता है गाइज, और राइट फ्लेट का मतलब इधर का साइड कट होता है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना गाइज। उसके बाद जब आप शर्ट को फेंक रहे हैं ऐसे तो इतना स्टॉप करना यहाँ पर, और यहाँ पर ऐसे पकड़ना गाइज। स्टॉप करने के बाद कैंची वाला स्क्रीन मतलब कैंची वाला ऑप्शन पे जाना और स्प्लिट टू प्लेट कर देना। उसके बाद गाइज यहाँ पर आप जहाँ शर्ट पहन के गाइज ग्रीन वाला शर्ट जैसे मैंने पहन लिया, अब पहनने के बाद जहाँ ऐसे फेंक रहा हूँ शर्ट को इस पोजीशन पे फिर से वीडियो को स्टॉप करके गाइज कैंची वाला ऑप्शन पे जाके गाइज ट्रिम टू प्लेट कर देता हूँ, और इधर वाला जो हिस्सा है इसको डिलीट कर देता हूँ। तो ये गाइज मेरा एक जो ट्रांजेक्शन इफेक्ट बन चुका है, देख सकते हैं। तो ये हो गया गाइज। अब जहाँ से फिर गाइज मैं यहाँ शर्ट को फेंक रहा हूँ गाइज, ये इस हिस्सा में जहाँ शर्ट को फेंक रहा हूँ इतना ही पर रखना है गाइज। वीडियो को स्टॉप करना, कैची वाला ऑप्शन पर जाना, स्प्लिट टू एट प्ले ऐड कर देना। उसके बाद गाइज आपको फिर से इस शर्ट को पहन लेनी है ऐसे नॉर्मली से, मैं ऐसे पहन लेता हूँ। और पहनने के बाद जब आप शर्ट को फिर से फेंक रहे हैं ये इस हिस्से पे स्टॉप करना गाइज, कैची वाला ऑप्शन पे जाना, ट्रिम टू स्प्लिट टू प्ले हेड कर देना, स्प्लिट टू एट प्ले हेड। और इधर वाला हिस्सा जो है गाइज इसको कर लेना है क्या डिलीट। तो वीडियो कुछ इस टाइप से बनेगा, फिर से आप दिखाता हूँ मैं। तो ये हो गया गाइज। अब फिर से आप जब शर्ट को यहाँ फेंक रहे हैं तो यहाँ फिर से आपको क्या करना है, वीडियो को स्टॉप करना है, कैची वाला ऑप्शन पे जाना है, स्प्लिट टू प्ले हेड करके आपको यहाँ फिर से जहाँ शर्ट को पहन ले रहे हैं गाइज उसी पोजीशन पे आपको जाना है। पहनने के बाद जब शर्ट को यहाँ फेंक रहे हैं जस्ट इस पोजीशन पर रुकाना है, वीडियो को स्टॉप करके कैची वाला ऑप्शन पे जाके गाइज ट्रिम टू सॉरी स्प्लिट करने के बाद इधर वाला ऑप्शन पे आपको डिलीट कर देना है गाइज। वीडियो को डिलीट करने के बाद इस वाले हिस्से में आपको क्या करना है, जब आप शर्ट को यहाँ से इतना दूर तक फेंक रहे हैं यहाँ वीडियो को स्टॉप करना, कैची वाले ऑप्शन पे जाना, ट्रिम स्प्लिट टू एट प्लेट कर देना गाइज। स्प्लिट एट प्लेट करने के बाद अब जब शर्ट को पहन के फिर से यहाँ पर खड़ा हो जा रहे हैं ये यहाँ पर इस वाले पोजीशन पे आपको इस कैची वाला मदद पे ऑप्शन पे जाके गाइज स्प्लिट एट प्लेट कर देना, और इधर वाला पोजीशन को डिलीट कर देना। डिलीट करने के बाद जब आप शर्ट को ऐसे पहन रहे हैं, पहनने के बाद जो एक्स्ट्रा पार्ट है यहाँ पर मैं इसे भी कट कर लेता हूँ गाइज। मैंने इस वीडियो पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा पार्ट ज़्यादा ही कर दिया,
यहाँ पर स्टॉप नहीं होना था, डायरेक्ट यहाँ पर हाथ से ऐसे करना था। तो मैं वो हिस्सा को थोड़ा काट के एडजस्ट कर लेता हूँ, मिला लेता हूँ गाइज। मिलाने के बाद यहाँ आपको क्या करना है, जब आप हाथ से ऐसे मार रहे हैं गाइज, यहीं पर आपको वीडियो को स्टॉप करना है, कैची वाले ऑप्शन पर जाना है, स्प्लिट एट प्लेट करके आप शर्ट चेंज करके आ रहे हैं जहाँ से, ये इस वाले हिस्से पर जाना है, कैची वाले ऑप्शन पर जाना, स्प्लिट एट प्लेट करके इधर वाला ऑप्शन पर डिलीट कर देना। तो वीडियो इतना तैयार हो जाएगा जब वीडियो आपका, तब आपको अब नेक्स्ट प्रोसेस करना है गाइज। नेक्स्ट प्रोसेस करना क्या है गाइज, कि आपको लेयर वाला ऑप्शन पे जाना, मीडिया वाला ऑप्शन पे जाना और सॉन्ग को यहाँ पर इंपोर्ट कर लेना। तो गाइज मेरे वीडियो से डायरेक्टली सॉन्ग को इंपोर्ट कर सकते हैं, मेरे वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा। तो ये रहा मेरा वीडियो, एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ ऑडियो को और यहाँ डिलीट कर देता हूँ गाइज। डिलीट करने के बाद नॉर्मली से आप देख सकते हैं वीडियो कुछ इतना ही लंबा है, लेकिन यहाँ पर आपको बहुत सारा अभी ऐड करना बाकी है गाइज। तो नॉर्मली से अब मैं साउंड को प्ले करके दिखाता हूँ कि क्या क्या करना है। यहाँ पर जो ट्रांजेक्शन है 6-7 कपड़ों के साथ बनाया गया, तो आपको उसके साथ 6-7 कपड़ों से भी बना सकते हैं। मैंने हालांकि टाइम बचाने के लिए 2 ही कपड़ों में दिखाया है, इसको ही कॉपी कर देता हूँ गाइज। तो सबसे पहले कॉपी करने के लिए क्या करना है कि इस वाले मतलब वीडियो को टच करना गाइज, 3 डॉट पर टच करना, डुप्लीकेट कर देता हूँ। तो ये जो वीडियो है गाइज आपकी 2 बार में बन जाएगी, मतलब 2 हिस्सा हो जाएगा इसका। फिर इसको सेकंड वाला पार्ट को क्लिक मतलब होल्ड करके यहाँ 3 डॉट पर क्लिक करके डुप्लीकेट कर देना, इसके फिर आगे लगा देना। तो सेम प्रोसेस हो जाएगा, आप देख सकते हैं कि डबल हो गया दोनों, 1 बार 2 बार। तो गाइज और एक बार कर लेता हूँ इसको, यहाँ से पकड़ना, 3 डुप्लीकेट कर देना, फिर आगे वाला हिस्सा को 1 बार डुप्लीकेट कर देता हूँ। तो ये बन जाएगा, देखिए कितना 6 बार 6 हिस्सा में हो जाएगा। तो ये हो गया गाइज। तो यहाँ पर थोड़ा सा मुझे ज़्यादा कट करना है गाइज, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा दिख ही रहा है, मतलब शर्ट नहीं दिखना चाहिए था इस हिस्से पे। हाँ तो अब सही ठीक ठाक है गाइज। तो अब आपको क्या मतलब लेयर्स में ट्रांजेक्शन इफेक्ट लगाना है सब जगह पे। तो इस पर आपको क्या करना है, ट्रांजेक्शन इफेक्ट कौन सा डालना है ये ध्यान से देखना गाइज। यहाँ पर आपको डालना है सैकिट, सैकिट में कौन सा डालना है ये ध्यान रखना। जब आप शर्ट को इधर से इधर फेंक रहे हैं गाइज, नॉर्मली से मैं फेंक रहा हूँ पहले इधर से इधर, तो यहाँ पर आपको लगाना है सेकेंड नंबर वाला ये ट्रांजेक्शन इफेक्ट। उसके बाद फिर से आपको लगाना है क्या सैकिट में 1 नंबर, फिर आपको सेकंड नंबर, इस टाइप से लगाना है। मतलब अब इधर से इधर फेंक रहे हैं तब ये एरो वाला लगाना, और जब इधर से इधर फेंक रहे हैं तब ये एरो वाला लगाना, ताकि जो ट्रांजेक्शन इफेक्ट वो भी मैच हो जाए और बहुत ही अच्छा लगे, दिखने में एकदम नॉर्मल लगे, कि जैसे लगे कि कुछ वीडियो कुछ खास काम का बना हुआ है। तो इस टाइप तो गाइज मेरा जितना भी आप देख सकते हैं जगह पर ट्रांजेक्शन इफेक्ट लग गया, 2 को छोड़ के 2 जगह पर नहीं लगा गाइज, वो लेयर बहुत ज़्यादा ही छोटा है। तो इसके अब उसके बाद गाइज इसके स्पीड को और ज़्यादा फास्ट कर देना सब वीडियोज का, क्योंकि मुझे स्पीड वाला वीडियो लेयर यहाँ बनाना है, तो यहाँ पर सब में फास्ट कर देना। तो गाइज और एक चीज़ बताना चाहूँगा, मैंने वीडियोज पर कुछ ज़्यादा ही स्लो से शर्ट को फेंका था, तो आप थोड़ा ज़्यादा एनर्जी लगा के शर्ट को फेंकना, ताकि और भी नेचुरल टाइप का लगे ये वीडियो और ख़ास लगे वीडियो देखने में। तो इस टाइप से यहाँ पर तो लगेगा ही नहीं, इस वाले हिस्से को तो ठीक ठाक है, और इधर वाला हिस्सा को गाइज बता दूँ, इधर वाला हिस्सा को आपको स्लो कर देना है इस टाइप से, जितना हो सके स्लो कर देना, ये इतना करके कट करके इधर वाला जितना भी हिस्सा है स्लो कर देता हूँ। अब मैं वीडियो को फाइनली एक बार चला के दिखाता हूँ। तो वीडियो कुछ इस टाइप से बन गई गाइज, आप देख सकते हैं कि 6 भागों में मैंने वीडियो को लेयर को किया है। आप यहाँ पर 6 शर्ट को अलग अलग पहन के भी बना सकते हैं, तो और भी भयानक लगेगा वो वीडियो देखने में। तो मैंने हालांकि 2 ही शर्ट को यहाँ पर यूज किया है गाइज, टाइम बचाने के लिए आप लोग का, ताकि आप लोग वीडियो को बनाना सीख जाए। ये नहीं कि मैं आपको सिर्फ दिखावटी चीज़ दिखाऊँ, सिर्फ वीडियो सिखाने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ गाइज। आप लोग आई होप समझ चुके हैं कि किस टाइप से इस वीडियो को बनाना है। तो इतना बनाने के बाद आपको शेयर वाले ऑप्शन पे जाना, वीडियो को कर लेना एक्सपोर्ट और टिकटॉक पे कर देना पोस्ट। तो बहुत ही गजब का यहाँ पर लाइक और फॉलोवर्स मिलने वाले हैं गाइज, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रही है। तो आई होप आपका भी वीडियो वायरल हो जाए। तो आशा करता हूँ वीडियो समझ में आ गई, तो प्लीज़ एक लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंडों के साथ। हमारे चैनल पर अगर पहली बार जुड़े तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तो
चलिए गाइस मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।